इस संबंध में मैं एक लंबे समय से लंबित निर्णय लेना आवश्यक समझता हूं, जो है डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहानस्क पीपुल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता और संप्रभुता को तुरंत मान्यता देना। मैं रूसी संघ की संघीय सभा से इस निर्णय का समर्थन करने और फिर दोनों गणराज्यों के साथ मित्रता और पारस्परिक सहायता की संधि की पुष्टि करने के लिए कहता हूं। इन दो दस्तावेजों को तैयार किया जाएगा और निकटतम समय में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हम देखते हैं कि क्यू का नेतृत्व लगातार सार्वजनिक रूप से कहता है कि वो संघर्ष को हल करने के उपायों के मिंसक सेट का पालन नहीं करना चाहता है। शांतिपूर्ण समाधान में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके विपरीत वो 2014 और 2015 की तरह ही डोनबास में एक ब्लिट्ज़क्रिग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी को याद है कि ये उद्यम कैसे समाप्त हुए थे। ये त्रासदी कब तक चल सकती है, कोई इसे कब तक सह सकता है? रूस ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सब कुछ किया है। इन सभी सालों में रूस ने 17 फरवरी 2015 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 22 को लागू करने के लिए लगातार संघर्ष किया है, जिसमें डोनबास में स्थिति को हल करने के लिए 12 फरवरी 2015 के उपायों के मिंसक पैकेज को शामिल किया गया था। इस संबंध में मैं एक लंबे समय से लंबित निर्णय लेना आवश्यक समझता हूं, जो है डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहानस्क पीपुल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता और संप्रभुता को तुरंत मान्यता देना। मैं रूसी संघ की संघीय सभा से इस निर्णय का समर्थन करने और फिर दोनों गणराज्यों के साथ मित्रता और पारस्परिक सहायता की संधि की पुष्टि करने के लिए कहता हूं। इन दो दस्तावेजों को तैयार किया जाएगा और निकटतम समय में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हम उन लोगों से मांग करते हैं जिन्होंने कीव में सत्ता पर कब्जा कर लिया है कि वो युद्ध गतिविधियों को तुरंत समाप्त कर दें, अन्यथा रक्तपात की संभावित निरंतरता की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से यूक्रेन के क्षेत्र पर शासन करने वाले शासन के विवेक पर होगी। आज के लिए निर्णयों की घोषणा करते समय मुझे रूस के नागरिकों, देश के सभी पक्षपातपूर्ण ताकतों के समर्थन में यकीन है। ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you.